ओके, तो जियो फिगर स्प्लिटिंग। इसके पहला जो वीडियो बना था वो पूरा एल्बिनो एक्रिलिक के ऊपर था, तो वो वाला वीडियो का चेकआउट नहीं किया है तो जरूर जाके देख लेना कि कैसा टैंक सेटअप चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, ये फिशेस को रखने के लिए कौन कौन सा टैंक मेट के साथ रख सकते हो, तो पूरा वीडियो चेकआउट कर लेना। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या फीड दे सकते हो। आप फीडिंग तो देख ही सकते हो, ये सारा चीजें जो है टेट्राविड शिकारी ये सब तो देख ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज बता देता हूँ। तुम लोगों को समझना है कि फिशेस जो होता है वो भी इंसानों की तरह ही होता है, कि अगर तुम लोग एक ही खाना बार बार खिलाओगे तो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, तुम लोगों को थोड़ा चेंजेस लाना है। अब इधर पे टेट्राविस का तुम लोग जो तीन जो डिब्बा दिख रहा है इधर पे, इस पे सिर्फ टेट्राविस नहीं है, इधर पे आर्टेमिया फ्लेक्स है, स्प्यूरिनिया फ्लेक्स है और भी बहुत सारा कुछ है। तो मैं तुम लोगों को दिखाया तो क्या क्या चीज हम लोग इस फिशेस के लिए देते हैं, और एक हॉबीज पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ तो हम लोग इसे टोटल तीन या चार देकर खाना देते हैं, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग खिलाओ, क्योंकि तो क्या है कि टेस्ट चेंज होना मछली के लिए बहुत किफ़ायती रहता है और साइज भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो पहला जो फिश फूड है वो है हिकारी सिंकिंग पेलेट्स, हम लोग खिलाते हैं। ये वाला सिंकिंग एक्सेल है, अब ये वाला तुम लोगों को मार्केट में मिल ही जाएगा। अब इसका अगर बारे में बात करें तो इसका जो प्रोटीन का जो मेन है ना, मतलब इसका जो मेन प्रोटीन कंटेंट है, तो ये फिश मील से ही इसका प्रोटीन आता है मेन, देख सकते हो। तो फिश मील मतलब ये मत समझना कि इट इज एन आर्टेमिया, मतलब वो श्रिम्प मील है नहीं, तो इसका जो मेन प्रोटीन कंटेंट है वो फिश से आता है, और बाकी जो चीज़ है वो तो है ही। और इसका मैं एक बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, इसमें स्पाइरुलिना है जो कि ना फिशेस के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पाइरुलिना क्या रहता है, फिशेस का जो कलर है, एक कलर एनहेंसर रहता है, वो भी नेचुरल, ठीक है। अगर मार्केट में तुम जाओ तो बहुत ज़्यादा, मतलब तीन चार प्रोडक्ट्स ऐसा मिल जाएगा जो कि ना तुम लोगों को बेचने के लिए होलसेलर्स वगैरह या सेलर्स वगैरह बोलेगा कि यार ले लो, इसमें कलर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन दिस इज द नेचुरल वे टू इंक्रीज योर कलर ऑफ योर एनी फिशेज। मैं सिर्फ इसका बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फिश मान लो तो इसके लिए ये खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें स्पाइरुलिना कंटेंट बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ एक और खाना देते हैं, इसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ये है सिंकिंग चिकलेट गोल्ड। आप अगर इसका बारे में बात करें तो ये दोनों ही खाना जो है वो सिंकिंग है, और टेट्राबिट्स भी सिंकिंग है। तो सिंकिंग क्यों दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जियोफिगस वैरायटी है, तो इसे ज़्यादातर क्या करेगा, पानी का नीचे रहेगा, मतलब एक्वेरियम टैंक के नीचे रहेगा, या इस मीडियम साइज मीडियम हाइट तक रहेगा, ऊपर उतना नहीं आता है, आता है जब मैं फीडिंग देता हूँ तब आता है। ये दोनों खाना तुम लोग दे सकते हो, अगर तुम ये दोनों मिक्स करके बिल्कुल भी मत देना, अगर ये तुम दे रहे हो तो ये सुबह दे सकते हो और ये शाम को दे सकते हो। दिस विल इंक्रीज योर फिश साइज, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, और इसमें प्रोटीन कंटेंट कम है लेकिन इस विल एनहेंस द फिशेस कलर, ठीक है। और फिन्स के लिए भी अच्छा है, फिन भी ज्यादा होगा, कैल्शियम है इसके अंदर। और मैं कुछ कुछ खाना दिखा देता हूँ, टेट्राविस तो तुम लोग यार पता ही है, टेट्राविस के बारे में क्या ही बोलना है। अब इसके अंदर जो है ये तो छोड़ो यार, ये तो ये हो गया तुम्हारा ब्रांचिन था उसमें। अब ये जो देख रहा है ना, ये दीज आर आर्टेमिया फ्लेक्स, ये मैं क्यों खिला रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ। इसमें जो प्रोटीन आता है ना, दैट इज़ अ फिश मील प्रोटीन, मतलब एनिमल प्रोटीन तो हम खिला नहीं रहे, क्योंकि जियोफिगस वैरायटी को एनिमल प्रोटीन खाने का जरूरत नहीं होता है। आर्टेमिया क्या है तुम लोगों को पता है, आर्टेमिया श्रिम्प प्रोटीन, ठीक है। आर्टेमिया इज वन काइंड ऑफ, जो ब्राइसिन हम लोग छोटा खिलाते हैं बच्चे को, वही इसको खिलाते हैं बट फ्लेक्स फॉर्म में खिलाते हैं। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा नहीं है, मतलब देख सकते हो ये 250, मतलब 250 ग्राम है, ठीक है। ऐसा 500 ग्राम तुम लोगों को दो ऐसा बॉटल मिल जाएगा 500 ग्राम में, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अगर तुम लोग 50 ग्राम 100 ग्राम से मंगवा लेते हो तो ये बहुत होता है, और ये खाना तुम मतलब क्या बोलो, दो तीन दिन में एक बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टेस्ट चेंज होना चाहिए फिशेस को। और ब्लड वॉर्म्स वीडियो तो तुमने देख ही लिया होगा, ब्लड वॉर्म खिला सकते हो अगर तुम लोगों को ज़रूरत है, लेकिन देखो मेरा बॉटम मतलब बॉटम में कुछ नहीं है टैंक का, तो अगर तुम्हारा टैंक का बॉटम में बहुत कुछ है तो ब्लड वॉर्म मत खिलाना, और अगर तुम 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक पानी नहीं चेंज कर रहे हो तो ये दोनों सिर्फ खिलाओ, आग बंद करके ये दोनों खिलाओ, आराम से चल जाएगा, और खाना कम दो, सुबह ये खिलाओ, रात को ये खिलाओ, शाम को ये खिलाओ, दो टाइम खाना मस्त है, उसको स्पिरुलिना भी मिलता रहेगा, कलर भी एनहांस होता रहेगा और ग्रोथ भी होता रहेगा, क्योंकि तुम ये हाई प्रोटीन कंटेंट वाला फीड खिला रहे हो। तो दैट इज ऑल गाइज फॉर द एंटायर फिश फूड, दैट इज मतलब हम लोग जो देते हैं एक इसको यही खाना देते हैं। और एक खाना मैं बहुत दिनों बाद लाऊंगा, अभी तो वो टेस्टिंग में है,
अभी कुछ कुछ फिश को मैंने खिलाया, दैट इज अ एंटायर हैंडमेड फूड, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को डेली वाटर चेंज करना पड़ेगा, वो थोड़ा मतलब ब्रीडर फूड हो गया, ठीक है। वो भी तुम लोग खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा शॉप है, वहाँ पे शॉप में जाकर तुम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑल इंडिया में तुम लोगों को डिलीवरी मिल जाएगा, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं होगा, कुछ दिनों बाद होगा, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।